नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं मांडवा सरपंच फजलुद्दीन। आज इनसे करते हैं चर्चा, आप जानते हैं इनसे पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है और लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भी इनसे चर्चा होगी और आने वाला टाइम जो है सरपंचों के लिए साल भर का टाइम रह गया है। अभी बीजेपी सरकार बनी हुई है राजस्थान में, बीजेपी सरकार ने इनको क्या दिया, पीछे सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस सरकार ने क्या क्या दिया, क्या क्या विकास करे हुए हैं और क्या क्या विकास करे हैं जो इनका लक्ष्य था जो पूरा नहीं हो पाया और अभी इनके पास एक साल का समय, एक साल में क्या क्या विकास करे जो रह गए थे वो करना का प्रयास रहेगा। सरपंच साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो आपका परिचय और राजनीतिक आपका कैरियर। मेरा परिचय फजलुद्दीन, सरपंच मांडवा वर्तमान में हूँ और इससे पहले मैं पंचायत समिति का मेंबर रहा हूँ और कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और इसी के साथ साथ पार्टी के विभिन्न छोटे मोटे पदों पर भी रहा हूँ। तो सरपंच बनने से पहले भी आपने कोई चुनाव फाइट किया था या फिर सीधे सरपंची का चुनाव लड़ा आपने? नहीं, सीधे सरपंची का, गांव में सरपंची का लड़ा। तो उससे पहले कोई चुनाव फाइट नहीं किया? नहीं। तो आगे आने वाले टाइम में क्या आपकी मंशा है, आगे कौन सा चुनाव फाइट करने की तैयारी है आपकी? वो तो अब जहाँ पार्टी पे चुनाव, जो जिसका टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी पे, जनता पे, जनता जहाँ बिठाएगी वहाँ बैठ जाएंगे, जनता घर भी बिठाती है, जनता सर पे भी बिठाती है। तो सर मतलब सरपंच बने हुए आपको लगभग 3.5-4 साल हो गए, किन मुद्दों को लेके आप चले थे और उनमें से कितने काम आपने पूरे कर दिए और कितने काम अधूरे रह गए? मुद्दे हमारे गाँव में जैसे कई मुद्दे थे, पानी की थी समस्या मेन मुद्दा और जो रोडें टूटी हुई थी, डबल रोड बनी हमारे गांव में, माड़वा से जयमला रोड थी वो बिल्कुल जर्जर हालत में थी, वो हमारे मंत्री जी ने वो वापस उसको तैयार करवाया और काफ़ी रोडों का भी काम किया है और हमारे माड़वा में जैसे एक मतलब एग्जाम सेंटर नहीं था, 10वीं और 12वीं के बच्चे पोकर नाते थे, एक मजदूर जिसका मतलब बच्चे का फादर वो मजदूरी करके ना जाके उस बच्चे को लेके स्कूल जाता था एग्जाम दिलवाने, बच्ची के साथ में फादर आता था वापस लेता। आज माड़वा में 10वीं और 12वीं में दोनों सेंटर माड़वा में लोगों को उसका फायदा मिला। तो आपकी पंचायत में, ग्राम पंचायत में मतलब काफ़ी पुरानी ग्राम पंचायत बनी हुई है, आपसे पहले भी काफ़ी सरपंच आए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कार्य था जिसको लेकर आपके मन में ये था कि अगर मैं सरपंच बनूंगा तो ये काम करवाऊंगा और लोगों का भला होगा? नहीं बिल्कुल, ऐसे तो कई काम मैंने किए हैं, जैसे व्यक्तिगत काम है, सार्वजनिक काम है, सार्वजनिक खूब काम किए मैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, इंटरलॉक हो, इसमें खूब काम किए, शौचालय हो, सार्वजनिक सभा भवन हो, ऐसे खूब काम किया। तो सुनो, ऐसा अभी आपके पास एक साल लगभग बचा है जी, तो एक साल में ऐसा कौन सा काम रह गया जिसको आप करने की इच्छा है? सार्वजनिक काम खूब है, जितने करोगे उतने कम है, जनता ये चाहती है आपसे आप कितना कर पाते हो। मेन पानी की समस्या है, वो 4 साल से JJM की सुन रहे हैं, टेंडर हो गए, शुरू हो जाएगी। मेन हमारा मुद्दा पानी का है जो अभी तक शुरू नहीं हो गया है, पहले कह रहे थे टेंडर हो गए, फिर भी इसमें सुना कि वो टेंडर कैंसिल हो गए, अब पता नहीं सरकार बदल गई है कब शुरू हो क्या हो। बहुत से सरपंचों का कहना है कि जो नरेगा की पेमेंटें हैं वो नहीं आ रही, TFC SHP की जो किस्तें हैं वो नहीं आ रही, 7 साल 1.5-1.5 साल से सरपंच परेशान है, क्या सही में परेशान है सरपंच? बिल्कुल, नरेगा की किस्तें तो काफ़ी समय से नहीं आती, लेबर का पेमेंट आता था, मतलब लेबर का पेमेंट हर 10-15 दिन में आ जाता था, जैसे पिछला हफ्ता खत्म नहीं होता था उससे पहले उसका पेमेंट आ जाता, आज लेबर के 3-3, 4-4 महीने हो जाते पेमेंट नहीं आता, नरेगा का पेमेंट तो बिल्कुल केंद्र सरकार ने रोक दिया और उसके साथ साथ SFC और FFC की अभी आचार संहिता लग गई है तो किस्तें कोई नहीं आएगी, पहले लोकसभा की विधानसभा की थी, अब लोकसभा की आचार संहिता चल रही तो उस सिलसिले में कोई पेमेंट नहीं आ रहा, जनता इसमें। तो सर वो कहते हैं कि जो लास्ट सरपंच का कार्यकाल होता है, क्योंकि नई सरकार बनी होती है सरपंच के पास भी एक साल का टाइम होता है और उस लास्ट एक साल में खूब काम होते हैं, लेकिन इस बार काम नहीं हो रहे हैं, काम चल नहीं पा रहे, क्या कारण है? सरकार की मंशा ही नहीं, किस्तें नहीं दे रही है, नरेगा का जो मतलब सामग्री का पेमेंट आता है वो नहीं दे रहे, लोगों ने काम कर दिए 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख के पैसा ब्याज भर रहे हैं सरपंच, पैसा नहीं है, किसी से ले, सेठ साहूकार से लेते हैं ब्याज भरते हैं, पैसा नहीं आता फिर काम कैसे करेंगे। तो सरपंच संघ इसके प्रति क्या एक्शन ले रहे हैं, पीछे सरपंच हड़ताल पे भी रहे हैं, आगे सरपंचों की क्या रणनीति है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी?
जब पिछली बार हम लोग हड़ताल पे बैठे थे, जयपुर में हमारी हड़ताल चली, उसके बाद एक किस्त जारी कर दी, सेकंड किस्त अभी तक नहीं आई है। अब जो भी काम कर रखे हैं उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया। अब पता नहीं इस सरकार के आएगा या नहीं आएगा, हमारे कार्यकाल खत्म होने के बाद आएगा पैसा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्कीमें थी वो बंद कर दी है, और पिछड़ा अपना जिसमें जिले का जो बजट था उसको भी लैप्स कर दिया है। नरेगा में बहुत सारी ऐसी मतलब बंदिशें लगा दी है, ऑनलाइन आप हाजिरी करोगे, और ऑनलाइन में जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कभी हाजिरी होती नहीं है, मतलब कोई इशू हो गया तो उसमें क्या है कि उसकी बेचारी की हाजिरी मारी जाती है, उसके बाद ये हाजिरी कट जाती है और फिर वो गरीब बेचारा एक नुकसान उसको होता है। तो समझो यहाँ तो फोन का नेटवर्क नहीं रहता तो कैसे होती है ऑनलाइन हाजिरी, जियो टेकिंग वगैरह कैसे करते हो? बहुत प्रॉब्लम आती है, हाजिरी करते हैं जीरो हो जाती है, जब हफ्ता पूरा होता है पता चलता है कि आपकी तो हाजिरी नहीं हुई, फिर मजदूर आते हैं कि भाई हमारी तो हाजिरी नहीं हुई। अब वो ऑनलाइन का सिस्टम है, जियो टेकिंग का सिस्टम है, ऑनलाइन हाजिरी होती है, उसमें बहुत समस्याएं आ रही है। तो सर आप जैसे मान लो आपका एक बॉर्डर का एरिया है, दूर दूर तक रेगिस्तान में फैला हुआ एरिया है, नशा यहाँ खूब चलन में, चाहे आप जैसलमेर मान लो, जोधपुर मान लो, मतलब आज नशा जो है वो युवाओं में बहुत ज्यादा है, तो नशे के प्रति आपका क्या रहेगा? बिल्कुल, नशा तो खराब ही है, युवाओं का भविष्य खराब कर रहा है। और यहाँ अब तो पहले तो यहाँ नहीं था, गंगानगर उस एरिया में था, आज इसमें एक भी इधर चल रही है, और कई एमडी कई नशे आ गए, यहाँ भविष्य खराब हो रहा है युवाओं का। बिल्कुल, नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और प्रशासन को भी एक्शन लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सुनो, अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, और कांग्रेस कह रही है कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी, और मोदी जी का 400 वाला एक मतलब झुंझुना है, जनता को पकड़ा दिया कि हमारी 400 सीटें आ रही, ये बिल्कुल सरासर कोई इसका आधार नहीं है। इन्होंने मतलब अपना कोई मतलब विजन नहीं था, इन्होंने एक ही कर रखा है, बस हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान भारत, और इनके पास कोई कुछ भी नहीं। पर लोग तो कहते हैं कि देश को आगे लेके जा रहे हैं और ये राजनीति साफ सुथरी राजनीति करते हैं। देश आज किस कहाँ खड़ा है? आज आर्थिक रूप से बेरोजगार लोगों से आप जाके पूछिए, बेरोजगार लोगों की क्या हालत है, वो आपसे और मेरे से मीडिया चैनलों में भी आता है, और मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें देखिए आप, आर्थिक आधार पे कोई इश्यू उठा के देख लीजिए आप। कहीं सर साहब वो गहलोत जी वाली बात तो नहीं है? गहलोत जी ने पीछे बोला था कि जनता विकास चाहती नहीं है, अगर विकास चाहती तो कांग्रेस को रिक्रूट करती। बिल्कुल, ये गहलोत जी की बात सही है कि विकास पे यदि वोट देते लोग तो आप कांग्रेस की सरकार रिपीट होती, लेकिन लोगों को विकास नहीं चाहिए, लोगों के मतलब उनको तो गुमराह लोग करते हैं, उसमें वो बह जाते हैं, उस धारा में लोग चले जाते हैं। तो सर साहब आप अपनी पंचायत वासियों को या पोकर वासियों को, राजस्थान वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई विकास के साथ साथ आप अपना इसका क्या कहते हैं, जो हमारा आपसी भाईचारा है उस हिसाब से वो कायम रहे, प्यार प्रेम कायम रहे, उसके साथ ही आप एक सेकुलर पार्टी को समर्थन दें, उससे हमारा देश और हमारा क्षेत्र आगे बढ़े।